हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो देखिए आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ नया व्लॉग नए दिन से तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के सारे काम वगैरह करके सारे काम निपटा करके अब मैं कर रही हूँ पूजा और मैं एक एक चीज़ का पूजा करूँगी तो रात को ही मिठाई मंगवा लिए थे और यहाँ पे देखिए हम लोग मिठाई वगैरह भी चढ़ाएंगे फूल मिला नहीं तो फूल नहीं चढ़ा पाऊंगी लेकिन जितना भी जो भी था अवेलेबल मैं वो सब कुछ अच्छे से चढ़ा दूंगी और पूजा कर लूँगी तो अब मैं नीचे जा रही क्योंकि जो हमारा कार है वो नीचे है तो कार को भी मैं बहुत अच्छे से पूजा करूँगी क्योंकि हम ज़्यादातर कार में ही ट्रैवल करते हैं और विश्वकर्मा भगवान जैसे सब कुछ अच्छे से बनाए रखें तो यहाँ पे देखिए घर का जितने भी सामान था हर चीज़ में मैं ऐसे टीक करके पूजा कर रही थी और मेरा पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया और मैं आई थोड़ा टेरेस पे क्योंकि ये जो डस्टर वगैरह आप देख रहे सुखाई थी तो मैं सोची सूख गया होगा तो फिर मैं उसे रूम में ले जाऊँगी एंड यूज़ करूँगी लेकिन वो सूखा नहीं था तो छोड़ दी तो यहाँ पर देखिए अभी मैं अपना जो कपड़ा है सूट है मैं वो अच्छे से प्रेस कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिंकल्ड पड़ा हुआ था इसीलिए एंड आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं आप लोग को पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ तो यहाँ पे देखिए जितने भी कपड़े वगैरह मेरे थे वो सब मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी एंड इसे अच्छे से चला दूँगी और मैं अभी बाहर जा रही हूँ तो जब तक मैं आऊँगी तब तक सारे कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं पसार दूँगी एंड यहाँ पे हेयर का हालत देखिए कितना ख़राब है तो येस हम लोग अभी जा रहे हैं पी, पी ट्रीटमेंट के लिए तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा अभी मैं पी पी ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो पहला सेशन मेरा हो चुका है ये दूसरा सेशन के लिए मैं जा रही हूँ तो पहले सेशन में इतना हड़बड़ी था कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई ना ही आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर कर पाई तो आज मैं कोशिश की कि जो भी पॉसिबल होगा दिखाना जैसे भी मैं अगर दिखा सकती हूँ तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो यहाँ पर देखिए मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल तो आज एक आशवी को भी इंजेक्शन लगने वाला था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था तो वो दूसरे दिन बोले आने के लिए तो अब हम लोग डेट ले लिए हैं और दूसरे दिन फिर हॉस्पिटल आएंगे आशवी का इंजेक्शन के लिए तो अब हम जा रहे हैं हमारा जो स्किन वाला डिपार्टमेंट होता है उसमें और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैठे हैं जो हमारा वेटिंग रूम होता है वेटिंग रूम में बैठ कर के वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा भी टाइम है एंड काफ़ी भीड़ है हॉस्पिटल में इसीलिए आशित एकदम नींद नींद में ही थी क्योंकि वो सो ही रही थी तो उसको सोते सोते ही तैयार करके ऐसे हम ले आए हॉस्पिटल में तो यहाँ देखिए हॉस्पिटल से बोला गया था कि खुद का डरमा रोलर लाने के लिए 1.5 पॉइंट mm फाइव एम का है तो यहाँ पे मैं दे दी एंड यहाँ से मेरा ब्लड भी निकाला गया क्योंकि जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा अलग करेंगे उसके बाद में पीआरपी ट्रीटमेंट होगा जो हेड में इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आशवी भी, भी अभी पूरा खुश है देख ही सकते वो नींद से उठी हुई लेकिन अभी तक वो कुछ भी खा ही नहीं है तो बस बस यही टेंशन है कि वो रोए ना तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और अभी क्या होगा मेरे माथा में ना एक क्रीम लगाया जाएगा जो कि नमनेस के लिए है जब वो डर्मा रोलर मेरे हेड पे जब यूज़ करेंगे ना तो वो काफ़ी दर्द करता है तो उसके पहले एक क्रीम लगाया जाता है जिससे थोड़ा सा नरम नमनेस हो और दर्द ना ज़्यादा पेन ना हो लेकिन एकदम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको पेन होना ही है और अनबेरेबल पेन है बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये देखिए क्रीम वगैरह सब कुछ लग गया है एंड मेरा जो होता है डर्मा रोलर से पी पी ट्रीटमेंट भी हो गया है माथा में इंजेक्ट भी किया है है इन, आ, सुई से एंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मतलब एकदम रोना जैसा भी आ रहा था लेकिन नहीं रो रही थी कि थोड़ा होता है ना कि इतना लोगे देखेंगे तो क्या बोलेंगे इस इस हिसाब से तो अब हमारा हो गया पी आर पी ट्रीटमेंट और आशवी का भी इंजेक्शन लेना था जो कि हुआ नहीं अब नेक्स्ट डे आना पड़ेगा अब जा रही हूँ वापस घर की ओर एंड सच बताओ इस तो अब मैं सोने वाली हूँ अब मैं नैप लेने वाली हूँ एक घंटा का जब मैं घर पहुंची और सोने का कोशिश की लेकिन आशी मुझे कहाँ ही सोने दे वो तो इतना परेशान कर रही थी यहाँ से चीज़ें गिरा रही है वहाँ से चीज़ें गिरा रही है मुझे एकदम सोने नहीं दी लेकिन मेरा सर बहुत फट रहा था तो जितने भी मेरे कपड़े वगैरह थे और जो मैं पहन के अभी गई भी थी तो सब ऐसे बिखरा हुआ था तो मैं सोची चलो फटाफट इसे समेट के रख लेती हूँ क्योंकि बिखरा रहेगा तो फिर बहुत गंदा भी हो जाएगा और बिखरा ही रहेगा समेट नहीं पाऊंगी फिर इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा अलग से इसीलिए देख सकते हैं मैं फटाफट इसे ये कर ले रही हूँ समेट ले रही हूँ अच्छे से फोल्ड करके और हैंगर में डाल के गोदरेज में डाल दूँगी और देखिए यहाँ पे इतना मेरा सर फट रहा है फिर भी हमें हर काम करना ही पड़ता है ऐसा हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं या फिर कोई रेस्ट मोड भी नहीं है कि हम पूरा दिन का छुट्टी ले ले इतना जब सर पर सर दर्द हो रहा है दर्द तो हो रहा था मैं सोने भी गई थी लेकिन आज भी मुझे सोने नहीं दी मैं वो जब सोती है तो मैं जगती हूँ मैं जब सोने जाती हूँ तो वही जग जाती है तो इस कारण से हमारा नींद मेरा नींद तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाता है तो यहाँ पे देखिए आज भी के लिए ओट्स ख़त्म हो गया था तो, तो मैंने ओट्स मंगवाया तो यहाँ पे मैं आज ओट्स ही बना करके खिला दूँगी क्योंकि ये बहुत झटपट हो जाता है और साथ ही साथ ये ओट्स को मैं जल्दी ही एक दूसरे कंटेनर में डाल लूँगी इसे फिल कर लूँगी नहीं तो फिर ख़राब होने का भी डर लगता है हवा वग़ैरह लग जाने का डर लगता है तो यहाँ पे देखिए और मेरा जो आज का वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा बहुत शॉर्ट में ही मैं रखूँगी क्योंकि मेरा सर सच में बहुत ज़्यादा फट रहा था तो एक काम भी करने का मन नहीं कर रहा था लेकिन हम हाउस वाइफ क्या ही कर सकते हैं जब हमारे ऊपर इतना ज़िम्मेदारियाँ रहता है और चीज़ें रहती है करने को तो हमें अपने लिए फिर टाइम नहीं मिल पाता और भूल भी जाते कि हमें रेस्ट करना है या फिर हमें पेन हो रहा है तो मैं सुबह जो भी पूजा की थी और लड्डू वगैरह चढ़ाई थी तो वही अब लड्डू लेकर के थोड़ा सा आशवी को खिला रही हूँ और थोड़ा मैं खुद भी खा रही हूँ ज़्यादा आशवी को नहीं खिलाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है इसीलिए तो गाइज़ मुझे एक चीज़ क्लियर करना है अगर आप लोग को पता है पीआरपी ट्रीटमेंट क्या है तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी आप अगर कन्फ्यूज़ और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीआरपी ट्रीटमेंट एक्चुअली हेयर का ट्रीटमेंट होता है जो रीग्रोथ में मतलब हेल्प करता है और मेरी जो हेयर थी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा बाल्ड वाल्ड सा भी हो गया जो कि एकदम अच्छा नहीं लग रहा था मैं कैसे कैसे अपने हेयर को कवर करके हेयर को बांध करके ऐसे ये रखती हूँ ताकि ऐसे दिखे ना लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है इसीलिए मैं पी ट्रीटमेंट ले रही हूं। पहला सेशन में तो थोड़ा सा रिजल्ट मुझे दिखा है ये हमारा दूसरा सेशन है ऐसे ही अभी और सेशन चलने वाला है यहाँ देखिए मैं बाद बाकी का किचन का काम में में बिजी हूं और आश्वी बस हर चीज़ें से वहां फैलाने में ही लगी है काफी परेशान करी और यहाँ पे मेरा सर भी फटा जा रहा है तो मैं इसे बस खेलने ही दे रही हूँ कि ठीक है तुम गिरा लो तुमको जो जो गिराना है तुम गिराओ मैं बाद में सब ठीक कर दूंगी लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी आशवी किसके साथ खेल रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ वाओ सबको दिखा दो ये कौन सा फ्रेंड है इसका तुम कान खा रही हो नहीं नहीं बेचारा तो चोट लग जाएगा ना आशवी नहीं खाना चाहिए अपना दोस्त से मिलवाओ तो सबको ये है गुडला एंड गुडला को बहुत गंदा कर दिया अश्वी सबको दिखा दो ये तुम्हारा गुडला है।, है ना इसका भी कान खाओगी नहीं मत खाओ किसी का कान नहीं खाना चाहिए आशवी तो आश्वी पूरा खेल रही है अपनी रैबिट वगैरह से गुडला वगैरह से इसका जो भी ये है टेडी बियर्स वगैरह उसके साथ खेल के बहुत इंजॉय कर रही है ऐसे ये ज्यादातर खेलती नहीं है इसको ये सब नहीं चाहिए होता है बस ये नीचे ही कुछ भी सामान जो गिरा हुआ रहता है वही सबसे खेलती है और यहाँ पे देखिए जो मेरा ओट्स था वो ठंडा करके मैं आशवी को खिला रही हूँ एंड काफ़ी लेट हो गया था आज आश बहुत देर तक भूखी है मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी लेकिन खाना मैं अभी अभी खिला रही हूँ जो कि लगभग बारह साढ़े बारह बज रहा था और अभी मैं खाना इसको खिला रही थी जो कि इसका ओट्स था तो तो चलिए अब फटाफट -फर्ट हम भी खाना बना लेते हैं नहीं तो बहुत देर हो जाएगा एंड काफ़ी देर हो गया क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से काम कर रही हूँ क्योंकि इतना सर फट रहा है तो इतना मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का मन कर रहा है कि बस सो जाओ तो आज मैं यहाँ खाना में बनाई हूँ चावल और कच्चू की सब्ज़ी और साथ ही साथ प्याज का पकौड़ा प्याज का पकौड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अगर कोई भी खाना में प्याज का पकौड़ा मिल जाए तो खाने का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और गाइस एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए हमारा एक प्यारा सा यूट्यूब फैमिली में तो यहाँ पे देखिए मेरा पकोड़ा वगैरह सब कुछ बन गया है और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप लोग ने आशवी को बहुत प्यार दिखाया है थैंक यू सो मच तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही आई होप आप मेरा वीडियो इन्जॉय किए होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय